हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? रुको रुको रुको, मैं बताता हूं कैसे हो आप लोग। एक अजीब सा अनजाना सा डर सता रहा है आप लोगों को, एक घबराहट। समझ में नहीं आ रहा कि डर तो है पर क्यों। कुछ लोग जो बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, उनको घर वालों की याद आ रही है, मम्मी पापा की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, घर जाना चाहते हैं, पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। और जब 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के बाद जब किताब बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ याद ही नहीं है, सब कुछ ब्लैंक। और एक अंदर से खालीपन सा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खिंचा चला जा रहा है। यही हालत है ना आपकी? अरे भाई, तो खुश हो जाइए, आप तो नॉर्मल हैं। एग्जाम के वजह से ये सारी चीजें होना तो जरूरी है, ऑब्वियस है, मतलब आप नॉर्मल हैं। और पता सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने अब एग्जाम के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है। और जब हम किसी काम के बारे में सीरियसली सोचने लग जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हमने एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा दिया है, उसकी तरफ बढ़ा दिया है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं आज आप लोगों के साथ, वो नॉर्मल है, क्योंकि परीक्षा नाम ही ऐसा है। एग्जाम का नाम आने से बड़े बड़ों के साथ ऐसा होने लगता है, बड़े बड़े विद्वानों के साथ। आप किसी से भी कह दो कल तुम्हारी परीक्षा है, तुरंत तो पूछने लगा, अरे बता दो यार क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो आपके साथ हो रहा है, घर की याद आना, घबराहट होना, अजीब सा डर, एक बेचैनी सी, समझ में नहीं आ रहा कि कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए, है ना? घर वालों की याद आ रही, उनको बता भी नहीं पा रहे कि हमारी तैयारी नहीं है, या हमको डर लग रहा है, तो वो कहेंगे भाई कि अगर डर लग रहा है तो फिर तुमने पहले पढ़ाई नहीं करी। तो मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल है, ये तो होता है, और ये आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूं, आपका हालचाल जानने आया हूं, और आपको बताने आया हूं कि ये चीजें नॉर्मल है। देखो, ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये एक मैराथन की तरह है, लंबी रेस है। मैराथन में होता क्या है, हजारों लोग दौड़ते हैं। जो एक्सपर्ट रनर होता है ना मैराथन का, वो क्या करता है, शुरुआत में धीरे 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 चलता है ताकि उसका स्टेमिना बचा रहे, और जैसे ही उसे फिनिशिंग लाइन दिखाई देती है वो पूरा जी जान लगा देता है। बस ऐसे ही ये बोर्ड एग्जाम है, ये भी एक मैराथन है। इसका जो एक्सपर्ट होता है वो शुरुआत में आराम से धीरे 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 पढ़ता चला आ रहा होता है। और अब ये जो 2 महीने हैं, ये 2 महीने रह गए, सामने हमें फिनिशिंग लाइन दिख रही है कि 6 फरवरी से एग्जाम है, सामने फिनिशिंग लाइन दिख रही है, और अब हमें जी जान लगा देना है। और अगर अब हमने जी जान लगा दिया, पूरा झोंक देना है, वो ये नहीं सोचना है कि किताब बंद करके सोच रहे कि यार पीछा याद है कि नहीं है, नो, आप तो पढ़ते जाइए, आपको याद रहेगा। जैसे जो मैराथन का जो परफेक्ट खिलाड़ी होता है ना, वो पहले धीरे 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 चलता है, अपनी अपना स्टेमिना बचाता है, और फिनिशिंग लाइन आते ही पूरी जी जान झोंक देता है। और जो जिसको इसकी नॉलेज नहीं होती है, वो पहले ही भागने लग जाता है बहुत तेज, और इससे क्या होता है कि जब तक फिनिशिंग लाइन आती है तब तक वो थक जाता है और रेस से बाहर हो जाता है। तो अगर आप इस समय तक, आपने जरूर से, ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन अगर ये 2 महीने जो फिनिशिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 2 महीने का वक्त अगर आपने इसमें जी जान झोंक दिया, पूरा दम लगा के, बिल्कुल एक सन्यासी की तरह, जिसके जीवन में केवल पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो आप पक्का मानिएगा कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है आपका। आप ही से बोल रहा हूं, आपका, जो भी आप, जो आप सुन रहे हो ना, मुझे देख रहे हो ना, आपका, हर किसी का, ऐसा नहीं है कि इसका आएगा उसका नहीं आएगा, आपका, जो इस समय आप मुझे सुन रहे हो, आपका विश्वास, मानिए ये बात याद रखना कि विश्वास में जो ताकत है ना, वो किसी चीज में नहीं है, फेथ। दो लोगों पे विश्वास करके देखिए, एक भगवान पर, कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और दूसरा खुद पर, खुद पर, कि यार मैं कसम नहीं छोड़ूंगा, जी जान लगा दूंगा, कसर नहीं छोड़ो। अगर इन दो लोगों पे भरोसा कर लिया ना तो आपने, तो फिर
और कुछ बचता नहीं है पाने के लिए, कुछ भी पा सकते हो। और अभी तो कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस एक बेहतर रिजल्ट लाना है। और वो कैसे आएगा? वो आएगा बस जी जान झोंक दीजिए, फिनिशिंग लाइन देख रही है आपको। और जो भी ये चीजें होती हैं, घबराहट होती है या हमको लगता है पता नहीं हम भूल गए हैं या पता नहीं इतना सारा कैसे करेंगे, तो ये तो नॉर्मल है। और एक चीज और समझ लीजिए, जब पढ़ने बैठिए तो पीछे बार बार पलट के मत देखिए कि कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सामने एक क्वेश्चन है, इसको करिए, फिर अगला करिए, जो प्रेजेंट में है उसको क्रैक करिए। बार अभी क्या होता है, हमारी टेंडेंसी क्या होती है ज्यादातर कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर हम पहले पेज पलट के देखने लगते हैं कि यार और कितना बचा है, कितना पढ़ना है। ऑब्वियस यार, जब इतना ज्यादा देखोगे तो तुम्हारे हौसले डाउन होने वाले हैं। हौसले बुलंद रखने हैं तो जो सामने है उसको करिए, पीछे का छोड़िए। पीछे और आगे कितना करना है, कितना सिलेबस बचा है उसके बारे में मत सोचिए। सामने है, इसको करा फिर आगे बढ़ जाइए, इसको करा उसके आगे बढ़ जाइए। इससे आपके हौसले बुलंद रहेंगे। देखो ये तो पढ़ाई है, अगर किसी भूखे आदमी के सामने भी खाने का ढेर लगा दिया जाए तो उसकी भी भूख मर जाती है। कोई भी चीज जब हमें एक्सेस में दिखाई देती है, अत्यधिक होती है, तो ऑब्वियस हमारे हौसले डाउन हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, हजारों बच्चे पढ़ा दिए हैं, उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ है, मैं जानता हूं क्या होता है। आप एक बात याद रखिएगा कि जब आप एग्जाम देके आएंगे ना तो आप मुझे खुद कॉल करेंगे और कहेंगे सर मजा आ गया। मैं अपने सब्जेक्ट का आपको बता रहा हूं कि अगर अब तक भी कुछ नहीं किया है तो भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। अपने सब्जेक्ट का बता रहा हूं, इंग्लिश का बता रहा हूं, बहुत कुछ हो सकता है। शुरुआत पोएट्री से करिए। मैं आपसे कह रहा हूं आपने कुछ नहीं याद किया, कोई बात नहीं, आप बस पोएट्री उठा लीजिए। 5 पोएम है आपकी गिन के। पहली माय मदर एट 66, दूसरी कीपिंग क्वाइट, तीसरी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चौथी अ रोड साइड स्टैंड, और पांचवी आंट्स जेनिफर टाइगर्स। ये 9 मार्क्स का वेटेज रखती हैं एग्जाम में, तो इनको करना शुरू करिए। ज्यादा लेंदी सिलेबस चैप्टर्स भी नहीं है, 5-6 क्वेश्चन हैं, तो उनके आंसर्स इनको पढ़ना, अच्छे से याद करिए। ऐसा इतना जब आप कर लेंगे, जब 9 मार्क्स का मटेरियल तैयार हो जाएगा, मतलब आपकी जेब में कुछ आ जाएगा, जो खाली जेब थी वो थोड़ी भर जाएगी, कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर आने लगेगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे। फिर आप शुरू करिए शॉर्ट आंसर्स, फर्स्ट बुक से फ्लेमिंगो से शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स क्यों करने हैं? क्योंकि शॉर्ट आंसर जो आपका वेटेज है वो शॉर्ट आंसर्स का ज्यादा है और फिल्मिंगो का ज्यादा है। 25 मार्क्स का आएगा फिल्मिंगो से, तो पहले उसे करिए, शॉर्ट आंसर्स कर लाइए सारे, उसके बाद लॉन्ग पे आइए, और फिर उसके बाद दूसरी बुक देखिए, क्योंकि और उसके भी शॉर्ट करिए, क्योंकि दूसरी बुक से केवल 7 मार्क्स के आना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी से भी अगर पढ़ाई शुरू कर दी, जी जान लगा दिया, तो इंग्लिश में 95+, 97, 98, 99 और 100 भी आ सकते हैं। देखिए चमत्कार होते हैं, बात इतनी सी है कि क्या आप चमत्कारों पे विश्वास करते हैं? विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैं लगातार चल रहा हूं। और अगर हम लगातार चल रहे हैं तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो इस तरीके से तैयारी करिए, बाकी अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से मिलिए हर सब्जेक्ट की, उनसे पूछिए, अकेले में बात करिए कि सर मेरी इतनी तैयारी है या मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है या इतनी तैयारी है और अब यहां से मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से रिवीजन शेड्यूल पूछिए उनसे। जैसे मैंने तो अपना तो तुम लोग को रिवीजन शेड्यूल बता ही दिया है कि जो भी है हर क्वेश्चन पर टारगेट डालते जाइए, अगले दिन 24 घंटे में उसका पहला रिवीजन करिए, फिर 3 दिन में दूसरा रिवीजन करिए, फिर 7 दिन में तीसरा रिवीजन करिए और 24 दिन में लास्ट रिवीजन करिए। ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती जाएंगी और आप कर लेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर मिलता हूं आपसे एक दो दिन बाद मैं फिर अगले लाइव क्लास में आके आपसे मिलूंगा। बस आप ध्यान रखिएगा, आपके साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। जो टॉपर्स
जिन्होंने टॉप किया है, मेरिट में स्कोर किया है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है। बस एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अपने आप से पूछते रहिएगा कि आपकी ड्यूटी क्या है। अगर यहां यहां से जवाब आ रहा है, आपकी अंतरात्मा जवाब दे रही है कि जितना भी आप पढ़ सकते हो, जितना आपसे हो सकता है उतना आप कर रहे हो, तो फिर डरने की जरूरत है ही नहीं यार। एक छोटा सा स्टेप है एग्जाम, इसके बाद तो और बहुत सारे एग्जाम देने हैं, इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिए थे, हड़बड़ाहट नहीं मचानी है ना, हड़बड़ाहट नहीं मचानी। एक बार मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा था, तभी एकदम से क्या होता है कि एक कॉकरोच आके गिर जाता है बीच में, बच्चे चिल्लाने लगते कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, हड़बड़ी मचा देते, सभी को लगता पता नहीं क्या हो गया, क्या आ गया, कॉकरोच बता नहीं, बेचारा कॉकरोच कितना डर गया होगा। मैं गया, मैंने आराम से रूमाल से उसको हैंकी से कॉकरोच को पकड़ा और बाहर फेंक दिया। अब यहां दो घटनाएं घटित हुई, एक वो कि जब कॉकरोच आया हो इतने सारे बच्चों ने शोर मचा दिया, ऐसे जैसे कॉकरोच नहीं डायनासोर आ गया हो। और फिर मैंने क्या किया, थोड़ा मैं रुका, मैंने देखा कि कॉकरोच ही तो है, बेचारा वो डर गया होगा, पता नहीं किन लोगों के बीच में आ गया हो, बड़े आराम से उठाया और बाहर फेंक दिया। बस एक एग्जाम उस कॉकरोच से बड़ा नहीं है, कॉकरोच से बड़ा नहीं है, हम बस इसे डायनासोर बनाए जा रहे हैं अपने दिमाग में, ये है तो कॉकरोच ही छोटा सा, इसको हम बड़ा बना रहे हैं अपने दिमाग में अपनी इमेजिनेशन से, क्या होगा ये सोच ही नहीं पा रहे कि क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जस्ट कॉकरोच जितना है आपके लिए, लेकिन आप इसे अपने दिमाग में डायनासोर बना रहे हैं, तो इसे डायनासोर मत बनने दीजिए, कॉकरोच ही रहने दीजिए, आराम से पकड़िए और फेंक दीजिए, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए क्या ये इतना बड़ा है जितना बड़ा आपने अपने दिमाग में इसे बना रखा है। नहीं, नहीं है ये इतना बड़ा, बहुत छोटी सी चीज है। क्या इससे पहले कभी एग्जाम नहीं दिया? दिया। क्या इसके बाद एग्जाम नहीं दोगे? दोगे। एग्जाम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे यार, अभी पढ़ाई के चल रहे हैं फिर जिंदगी के आ जाएंगे। तो अगर आज आपने उसको अपने आप को उसके हिसाब से यूज टू नहीं बनाया, तैयार नहीं किया, तो आगे जिंदगी के एग्जाम कैसे दोगे यार। तो जो भी हो रहा है, छोटी मोटी चीजें जो हो रही है, घर की याद आ रही है, मम्मी पापा की याद आ रही है ना, ऐसा लग रहा है सब छोड़ छाड़ के गांव चले जाएं, घर पे चले जाएं, है ना, घबराहट हो रही है, किससे कहें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिससे कहेंगे वही हम पे हंसने वाला है कि यार साल भर से क्या कर रहे थे, तो हमारी स्थिति हो गई ऐसी कि कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। तो ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने एग्जाम दिए थे, सबके साथ होता है। तो इसको नॉर्मली ही लीजिए, जैसा है वैसा लीजिए, कॉकरोच है कॉकरोच की तरह ही रह लीजिए, इसे डायनासोर मत बनाइए अपने दिमाग में, समझ गए ना। और एक बात याद रखिएगा, आपको अपने आप पर भरोसा हो ना हो, मुझे आप पर भरोसा है, तो एक बार ये जवाब जरूर सोच लेना कि जब हमारे सर को हम पर भरोसा है, तो क्या हम इतने गए बीते हैं कि हम खुद पर भी भरोसा नहीं कर सकते, वो भी 2 महीने के लिए? कर सकते हैं ना, हाँ कमेंट में लिख के मुझे बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अपने आप पे बिलीव कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो मुझ पे कर लो, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, और जब मुझे तुम पे भरोसा है तो तुम मुझ पे भरोसा कर लो, और फिर देखो हम साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे रिजल्ट, साथ मिलकर। एक वर्ड अगर मेरा गलत निकल जाए तो बताना आप रिजल्ट के बाद, लेकिन आपको मेरी बातें वर्ड टू वर्ड फॉलो करनी है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तो आप ही को है उस रास्ते पर, तो निकल पड़िए यार, मैराथन की फिनिशिंग लाइन हमें दिख रही है, अब मौका आ गया है, वक्त आ गया है कि जी जान लगा दें। तो कितने लोग हैं जो अपना जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, जो हैं वो कमेंट में लिखो कि सर मैंने ठान लिया है, मैंने कमर कस ली है, मैं तैयार हूं अपना जी जान झोंकने के लिए,
इस एग्जाम रूपी यज्ञ में आहुति देने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। छोंक दीजिए सब कुछ और फिर देखिए परिणाम। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी अगली लाइव क्लास में बहुत जल्दी मिलने वाला हूं आप लोगों से इसका परिणाम जानने के लिए कि क्या आपने अपना जी जान झोंकने की तैयारी कर ली है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन तैयार है जी जान झोंकने के लिए।